मैं दोबारा खुश आमदी ख्वासा था। अगर आप 28 मई 1998 में चले जाएं और उस वक्त को देखें जब पाकिस्तान एटमी धमाका कर रहा था और हम न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त क्यों महसूस होता था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के खिलाफ कोई कंपेन की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें पाकिस्तान को प्राइड भी मिला उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का इतना हिस्सा नहीं था। तो सब आप महसूस करते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त एक कंपेन हो रही थी और कौन कर रहा था? देखिए मैं आपको बताऊं, बात खुली लगेगी बुरी लगेगी, मैं महाजर था, मैं न एटीशियन था न मैं रावियन था न मैं जाट था न ये था न वो था, तो लोगों ने मुझे कभी इस तरीके से कबूल नहीं किया। सिर्फ कबूल इसलिए किया जो मोहब्बत है लोगों की, मैंने ये काम किया। आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये शक हो कि ये काम मैंने नहीं किया, वो फॉरेनर्स हों या लोकल हों, और सबको पता है, हुकूमत को भी पता है कि अगर मैं एनरिचमेंट नहीं करता और वेपन नहीं बनाता तो ये कोई भी क़यामत तक भी नहीं बना सकते थे। अभी तक ये वही बैलगाड़ी चला रहे होते, कश्मीर हाथ से चला गया था, शायद लाहौर भी चला गया होता। तो ये सब जो बातें हैं मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ यही है कि शायद ये इस वजह से हुआ कि मैं सनाद साहिल नहीं था, मेरी इनसे कुर्बत नहीं थी, मैं मुंह फट आदमी हूँ, मैंने खुशामद करके ये कोई पोजीशन हासिल नहीं की थी। मैंने तो जब देखा मैं बाहर था बहुत अच्छी पोजीशन पे था, आला मेरा मुस्तकबिल था, जब मुल्क को जरूरत पेश आई और मैं ये काम कर सकता था, मैंने खुदगर्जी का इजहार नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि जी मैं यहीं बैठूँ मुझे क्या पड़ी है, यहीं से बैठ के थोड़ी सी मदद कर दो, कागज भेज दो, करते हैं तो करें वरना जहन्नम में जाए। नहीं, हमने अपनी कश्तियां जला दी, यहीं आ गए। हुक्मरान तबका जो है उस वो उनके लिए मैं खतरा हूँ, समझे, क्योंकि मैं मुंह फटा आदमी हूँ, मैं गलतियों का की तरफ इशारा कर देता हूँ, मैं टोंक देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी ढूंढने नहीं आया था, मैं खुशामद करने नहीं आया था कि मुझे किसी किस्म का ओहदा मिल जाए या मैं कहीं ऊपर चढ़ जाऊँ या मुझे जमीन मिल जाए कुछ। मैंने इसलिए इस पूरे अरसे में 25 साल के अरसे में एक दस जमीन नहीं ली, एक रुपया नहीं लिया, और जब मैं रिटायर हुआ 25 साल की सर्विस के बाद तो मेरी पेंशन थी 4,467 रुपए। आज कितनी है? 25 साल के बाद इस वक्त 25,000 है, फिर वो बढ़ती जा रही है ना इन्फ्लेशन से, तो इंक्रीमेंट मिलते। तो आज आपको महसूस नहीं होता कि अगर आप करप्शन कर लेते थोड़ी सी, क्या करें, थोड़ी सी करप्शन कर लेते आप तो हमारे बहुत होता। हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ, मेरे वालिद हेडमास्टर थे और वालदा बहुत मजहबी थी, वालिद भी, हम कभी तस्वुर में हमने तस्वुर करना भी कि एक पाई खाओ तो इस तरह है जैसे कि अपनी मरी माँ का गोश्त खाओ, मैं यही कहता हूँ। अच्छा, आपको क्यों दूर रखा जा रहा था उस मोमेंट से, उस तकरीब से, उस वक्त से जब पाकिस्तान को प्राइड मिल रहा था 28 मई 1998 को, ये कोशिश की जा रही थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को पिक्चर में नहीं होना चाहिए? और क्योंकि हमारे ताल्लुकात नहीं थे ना, हमारे घरेलू ताल्लुकात थे ना, हम जुबान बोलते थे इनकी, हम तो जो जब से आए हैं वही उर्दू बोल रहे हैं जो जिस तरह बोलते हैं, तो इसके अलावा और तो रीजन हो सकता है? मैंने जो दे सकता था मुल्क को दिया ना, किसी और ने तो नहीं दिया।